बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है इस कार्यशाला के लिए। सर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा इस कार्यशाला के बारे में। सर आज की जो कार्यशाला, ये जो एमटीसी है जहां पे बच्चों को उपचार किया जाता है, वहां पर 15-20% बच्चे ही सैम बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको वाकई एमटीसी की आवश्यकता होती है। जो 75-80% बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनको की एमटीसी पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण क्या है कि जो सैम बच्चे होते हैं ना, गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चे होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो बच्चे जो सैम है और साथ में उनमें किसी प्रकार की जटिलता है, चिकित्सा का शिकार हो जाते हैं, उसमें 8.6 बच्चे हैं। और ये अति कुपोषित बच्चे जब हमने देख लिए अति कुपोषित हैं तो उनके फिर मरने की संभावना भी ज्यादा रहती है ना। हम इनको ऐसा नहीं होने देंगे। नेक्स्ट बच्चा आए और अपनी कुछ खुराक मात्र खाकर जाए तो वहीं ठीक हो सकता है, तो हम क्यों लाएंगे उसको? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने यही चीज देखना है कि इन लोग में कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम नया होता है तो उसमें कुछ बदल आते हैं, सुविधाएं आती हैं और उनसे हम कुछ सीखने को मिलता है। और नहीं करता मैं तो यहाँ जिले में पाँच महीने से आया, लेकिन ये आंकड़े भी नहीं के हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ आना, ये बुलाएगा, ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट है ना, क्योंकि पेरिफेरी में हमारे पास इतने चिकित्सक नहीं है, और हैं तो वो इस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है। तो हम जिला अस्पताल में लाते हैं। जिला अस्पताल में कहाँ लाते हैं, उसको हमने एक नाम दे रखा है ना। जैसे प्रोग्राम का नाम क्या दिया है, सीमैन, और उसका हमने जहाँ उपचार होगा उसका नाम क्या दिया हमने, एमटीसी सेंटर। एमटीसी, एमटीसी का मतलब होता है माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट। काम करना पड़ेगा, जैसे कि सर भी बोल रहे थे ना कि माँ पे ध्यान देना पड़ेगा तो बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन यहाँ हम जिस सूखे में कुछ पहले जॉर्डन में चला था और कुछ और दूसरे ब्लॉक्स में एक्सटेंशन होने जा रहा है, और उसी पे ओरिएंटेशन करने के लिए, आपका ध्यान लाने के लिए ये हंगर फाउंडेशन है। ये एक एनजीओ है जो इसके भूख के खिलाफ लड़ता है। पोषण, अच्छे पोषण बच्चों में कैसे हो, उनकी ग्रोथ कैसे हो, उसकी जागरूकता फैलाता है। और ये आने वाले टाइम में और ये ऐसी कार्यशाला है, और अपने और आपके नियर रही समितियों में आते रहेंगे। वैसे आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, पोषण क्या है, क्या इसकी कार्य योजना होगी, कैसा इसका मॉनिटरिंग होता है, पर मैं इसमें ज्यादा हमने लगभग 1300 बच्चों को चिन्हित किया था, और उनमें से लगभग 900, मेरे को यहाँ से थोड़ा बेहतर दिख रहा है, लेकिन 900 से ऊपर कुछ बच्चे हैं उनको हमने अच्छी तरह उपचारित किया, उनका ट्रीटमेंट किया।